प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश अपवर्तित कैसे होता है, अपवर्तन के क्या नियम है, आइए इसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये वायु एक विरल माध्यम है और हमें पता है कि सभी जगह वायु विद्यमान है, तो एयर हमारा हो गया रेरर मीडियम या विरल माध्यम। और मान लीजिए हम यहाँ पर एक ये ग्लास स्लेब ले लेते हैं, कांच की पट्टिका ले लेते हैं जो कि सघन माध्यम है। तो अब ये माध्यम बदल गया, ये यहाँ इस कांच पट्टिका के आसपास पूरा माध्यम विरल है और ये कांच जो है ये अंदर से सघन माध्यम है, मतलब डेंजर मीडियम है। तो प्रकाश का एक ऐसा नेचर होता है कि जब वह माध्यम बदलता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण जो आई है, ये इस तरह से प्रकाश की किरण जब आती है तो ये देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है और यह वह बिंदु है जहां पर यह दोनों माध्यमों के संगमन पर आ रही है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आने वाली किरण AO है, तो इस किरण को हम नाम दे सकते हैं आपतित किरण। तो जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये आपतित किरण है और इस बिंदु पर हम यहाँ, ये हमारा आपतन बिंदु है जहाँ पर इंसिडेंट हुई है रे, और ये हमारा अभिलंब है, इस पर हमने एक अभिलंब की रचना कर ली। तो अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगी कि अपने मार्ग से विचलित होगी। अब आप देखिएगा कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब को हम नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये हो गया आपका आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये प्रकाश की किरण को यहां जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही माध्यम बदला तो इस प्रकाश की किरण का मार्ग यहां विचलित हो गया। देखिए आप, इसको जाना ऐसे था और ये ऐसे आ गई। तो ये प्रकाश की किरण ने अपना मार्ग क्या कर दिया, विचलित कर लिया। तो ये जो मार्ग का विचलित होना है, इस विचलन को हम कहते हैं अपवर्तन। तो ये देखिए इस तरह से प्रकाश की किरण आई और इसको ऐसे जाना था और ये ऐसे चली गई। तो ये जो अप किरण है, इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, रिफ्रेक्टेड रे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, जिसको हम आर बोलते हैं। तो ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई और ये हमारी आपतित किरण है, और इस तरह से प्रकाश की किरणों ने अपना मार्ग बदल दिया, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और जब ये यहां से बाहर निकलेगी तब भी ऐसा होगा कि ये अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी, लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रकृति उस समय बदलेगी। अब आप देखिए इसको ध्यान से, तो यहां क्या हुआ, यहां ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकी थी और यहां ये इस अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब देखिए आप यहां अभिलंब की ओर झुक गई, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये देखिए यहां इस बिंदु पर अभिलंब, और ये अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गई। तो हमने ये समझा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए हाँ, ये दूर हट गई, देखिए पहले ये इतना पास थी, अभी इतना दूर हो गई, यहां पर ये दूर थी तो ये पास आ गई। तो विरल से सघन में आने पर अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, मतलब एक एक जैसे माध्यम से, जैसे वायु से,
जब कांच में प्रवेश करती है मतलब दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस तरह से ही अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाती है। इसको यहां जाना था, ये यहां आ गई। तो इस घटना को हम कहते हैं या इस गुण को हम प्रकाश के कहते हैं अपवर्तन। अब यहां भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ये प्रकाश की किरण आई और इसने अपना मार्ग बदला, ये इस तरह से गई और फिर ये यहां से इस तरह से बाहर हुई। अब अपवर्तन के नियम क्या है, तो हम अपवर्तन के नियमों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला नियम आप देखेंगे कि ये जो आपतित किरण है ये और ये जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, देखिए यहां ये सरफेस ऐसी होगी कि दोनों माध्यमों को क्या करेगी, पृथक करेगी। मतलब ऊपर एयर रहेगा और नीचे ग्लास रहेगा, ऊपर वायु नीचे कांच। तो इसके पृष्ठ पर ये जो आपतन बिंदु है जहां पर ये प्रकाश की किरण आई है, इस पर खींचा गया जो आपका अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण। तीन बातें देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब, ये हमेशा एक ही तल में होंगे। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में जब हमने इसको प्रायोगिक रूप से आपको बताया था, और एक अन्य वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। ये हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको यहां ले रहे हैं। तो यहां आप देखिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु O पर ये जो अभिलंब है MN, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, ये जो O बताया जा रहा है, इस आपतन बिंदु के ऊपर ये जो अभिलंब है MN, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहां देखिए आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये इस आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब, ये क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारा जो नियम होगा वो ये होगा कि अगर हम कोई प्रकाश का कोई एक खास रंग ले लें और माध्यमों का एक खास जोड़ा ले लें, जैसा कि हमने यहां लिया है वायु और कांच, तो फिर इसके लिए क्या होगा कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और किसी निश्चित जोड़े के लिए, मतलब माध्यमों का कोई निश्चित जोड़ा, आपने यहां वायु कांच ले लिया, ये एक जोड़ा बन गया। आप जल कांच भी ले सकते थे, आप वायु जल भी ले सकते थे। तो यहां निश्चित माध्यमों के युग्म से तात्पर्य यह है कि आप ने कौन सा माध्यम वहां उपयोग में लिया है उसके लिए। तो आपने यहां वायु लिया है और कांच लिया है और प्रकाश का कोई निश्चित रंग, तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए या जोड़े के लिए जो आपतन कोण है, यहां हमारा आपतन कोण कौन है, आई है। अपवर्तन कोण कौन है, आर है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर है। और ये जो निर्गत कोण है जो यहां बन रहा है, ये निर्गत कोण हमारा ई है। तो जो आपतन कोण की ज्या है मतलब साइन है, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, ठीक है, ज्या को हम साइन बोलते हैं। तो आपतन कोण की साइन मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की साइन मतलब साइन आर, में एक निश्चित अनुपात होता है हमेशा। ये रेशो क्या होता है, ये बराबर तो नहीं हो सकते, ठीक है, ये बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है, लेकिन इन दोनों का रेशो हमेशा क्या होता है, एक निश्चित रेशो होता है, निश्चित अनुपात होता है। और इस अनुपात को हम एक नियतांक से दर्शाते हैं, और वो जो नियतांक होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, और इनका एक निश्चित अनुपात होगा जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब यहां हमारा पहला माध्यम एयर हो सकता है और यहां दूसरा माध्यम ग्लास हो सकता है, तो हम इसको ए म्यू जी से दर्शाएंगे, मतलब 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यह होगा साइन आई अपान साइन आर, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। लेकिन थोड़ी सी उसकी शर्त है कि एक तो वो जो प्रकाश है उसका किसी निश्चित रंग के लिए होना चाहिए, और दूसरा जो युग्म है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आपने कौन सा युग्म लिया है। तो ये वायु कांच युग्म के लिए हम अगर बात करें तो यहां हमने वायु कांच युग्म लिया है, मतलब एयर और ग्लास को लिया है। तो इसे अपवर्तनांक कहते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं कि 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर।
मतलब आपतन कोण की ज्या, यह आपतन कोण आई है और इसकी ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर की ज्या साइन का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो इस तरह से हमने अपवर्तन के दो नियम सीखे। आप इस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा में भी बता सकते हैं, क्योंकि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और इसे दूसरे रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसे V1 अपान V2 भी लिख सकते हैं। मतलब अपवर्तनांक की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, आपकी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका रेशो जो है वो फिक्स है, और वो रेशो कहलाता है जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसे हम वह रेशो कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो वन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपान वी टू। अब अपवर्तन का जो कारण है वो एक्चुअली यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि जब माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश की चाल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन अपवर्तन का कारण है। तो आप बच्चों, आपने आज अपवर्तन को देखा कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यह गुण अपवर्तन कहलाता है। अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा, आपने नियमों के बारे में सीखा कि अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु के ऊपर जो ये अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हमने ये समझा कि ये जो आपतन कोण आई है इसकी ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण जो आर है उसकी ज्या मतलब साइन आर, इनका रेशो या इनका अनुपात जो है निश्चित होता है, और साइन आई अपान साइन आर को हम बोलते हैं म्यू या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। और अपवर्तन का जो कारण है वो यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आप गमन करते हैं, जाते हैं, प्रकाश को लेकर जाते हैं, तो उस प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। धन्यवाद।